क्या क्या देखे, क्या क्या करे, देखे सपना पूरा करे, मिलकर कुछ भी हम कर सकते, हासिल कर ले अपनी मंजिले, नामुमकिन ना कुछ भी नहीं, बनो चाहे जो भी, पार्टी यहाँ जाएगी, एडवेंचर हम करेंगे, ये है ड्रीम हाउस एडवेंचर्स। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा? ओ स्कूल में चल रहा था कम्युनिटी सर्विस वीक। पिछले साल मैंने लाइब्रेरी की दीवार पर पेंटिंग की थी और इस साल तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं अपना प्रोजेक्ट स्किपर के साथ कर रही थी, लेकिन उसमें भी काफी मुश्किलें आ रही थी क्योंकि स्किपर को किसी वजह से सर्फिंग अच्छी लगने लगी थी। फिर टैमी ने भी मेरा काम बिगाड़ने के लिए एक चाल चली। वो कम्युनिटी सर्विस को एक कॉम्पिटिशन की तरह समझ रही थी और जब वो सब काफी नहीं था तब ये हो गया। अर्थक्वेक प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। एक अर्थक्वेक काफी डरावना था, पर इस तरह के पलों में ही ये एहसास होता है कि आपके लिए कम्युनिटी कितनी जरूरी होती है। अर्थक्वेक खत्म हो चुका है और बिजली वापस आ गई है, अब सब ठीक है। वो तुम ठीक हो? हाँ, और तुम? हाँ, बस थोड़ा सा हिल गई हूँ। सीरियसली? हाँ, ओके, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो देखते हैं बाकी सब ठीक है ना। स्टेसी यहाँ हूँ। जॉर्ज यहाँ हूँ। चेल्सी यहाँ हूँ। बार्बी स्किपर यहाँ हूँ। और यहाँ हूँ। और मॉम मैं भी यहाँ हूँ। हम सब मौजूद हैं और सुरक्षित हैं। और हमारे पेट्स कहाँ हैं? 1, 2, 3, 4 पपीज और एक कैट। पेट्स भी ठीक है। बहुत अच्छे, हम सब शांत रहे और हमने इमरजेंसी प्लान के हिसाब से ही काम किया। भूकंप बहुत तेज था। हो गया ना? मैं तो नहीं डरी पर ब्लिसा डर गई। मैंने जांच कर ली है, घर की हालत एकदम ठीक है, बस कुछ प्लास्टर झड़ गए हैं, पर कभी कभी भूकंप के कुछ देर बाद आते हैं। आफ्टरशॉक। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो फिलहाल के लिए क्या मैं इसे अपना रूम बना सकती हूँ? अब सब ठीक हो जाएगा हनी। वो क्या था? मैं नहीं जानती, पर वो आफ्टरशॉक नहीं था। कहीं वो अर्थक्वेक मॉन्स्टर तो नहीं? अर्थक्वेक मॉन्स्टर से नहीं बनते बेटा, वो तब पैदा होते हैं जब शिफ्ट होते हैं। मैं कहने वाला था टेक्टोनिक प्लेट्स पर। नहीं, मेरा मतलब बाहर देखिए, वहाँ। केसी, शेल्वी, ये हमारे नए पड़ोसी हैं। सॉरी, अर्थक्वेक से गोट्स घबरा गई हैं और हम उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम मदद करते हैं। इधर आओ, आओ। मेरी सब्जियाँ। पकड़ लिया। इनकी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। प्लीज रुक जाइए, हमारे यहाँ लाइट और रुकने की जगह दोनों है। ये, आओ शेल्बी, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। कूल, क्या चूज़र बिली भी आ सकते हैं? बिल्कुल, हमारे घर में हर तरह के एनिमल्स का स्वागत है। एक बार तो हमने गाय को लिफ्ट में चढ़ा दिया था। हाँ, हम इतने अजीब भी नहीं हैं। वैसे हाँ हैं, थोड़े बहुत। मुझे तो ऐसे ही लोग पसंद हैं। हे डैड, मैं जाकर दूसरे पड़ोसियों को देखती हूँ, हो सकता है कि जरूरत पड़े और वो यहाँ आना चाहे। बिल्कुल बाबी, वैसे स्टेट की इमरजेंसी वेबसाइट के मुताबिक अभी ना शहर में बिजली गई है और ना ही रास्ते खराब हुए हैं, पर फिर भी ऐसा करना एक पड़ोसी के नाते अच्छा होगा, जरा संभल कर। ओके, एक मिनट, मैं भी आ रही हूँ क्योंकि ये मेरी भी कम्युनिटी है। ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? क्या वो लोग यहाँ से जा तो नहीं रहे? वो भले लोग जी नहीं, वो शायद लोगों की मदद करने जा रहे हैं। क्या बेवकूफी है, ऐसे वक्त पर अपनी जरूरत की चीजें दूसरों को कौन बांटता है भला? कुदरत भी सबसे फिट को ही जिंदा रखती है और हम रेडेंस भी बिल्कुल वैसे ही है। The fittest, est, est. Oh, no, no. कहीं चोर तो नहीं? या zombies? उससे भी बुरा, ये तो। Hey guys, आप सब ठीक है ना? हम थोड़ा हॉट चॉकलेट लाए हैं, सोचा आपको इसकी जरूरत पड़े। हमारे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ चीजों की कमी नहीं है, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। क्या सच में? हमारे पास थोड़े मार्शमेलोज भी हैं। हनी, ये तो हमारे फेवरेट मार्शमेलोज हैं। ठीक है, इस बार हम ले लेते हैं,
सिर्फ इसे लेके तुम्हें बुरा ना लगे। बढ़िया, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो। You're welcome. कहना पड़ेगा कि मुश्किल के वक्त में भी ये जरा भी नहीं सुधरे।